जी नमस्कार, क्रिएटर सुपर 30 में आपका स्वागत है। आपने चार पार्ट सीक्वेंस सीरीज का देखा, आज पांचवें पार्ट आप देखेंगे और इसमें टीएन दो टीएन दिया हुआ रहेगा। तीसरा अगर हमको निकालना रहेगा टर्म, तो बिना फॉर्मूला का हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं ये चीज को आपको देखना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं। यानी यहां पर क्वेश्चन आपका रहेगा कि किसी का सातवां टर्म 15 है और 15वां टर्म 31 है, तो 20वां टर्म क्या है? यानी 41। बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया। अब इसको बनाने का तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 50 और a प्लस 14d बराबर 31। यहां 8d और 31 में से 15 गया तो 16, यानी डी बराबर 2। डी बराबर, अब ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए प्लस 6d इज इक्वल टू 50 ए बराबर 3। ए बराबर, तब यहां पर टी 15 टर्म निकालना पड़ेगा। 20 निकालना, यानी 19। अब इससे आपको टाइम ज्यादा लग गया, तो इसका छोटा तरीका इस्तेमाल करिए। आप लकीर पा रहे, यहां पर सातवां टर्म 15 है, 15वां टर्म 31 है। अब इसका डिफरेंस कर देंगे 16, इसका डिफरेंस कर देंगे 8, दूना क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो गया। अगर निकालना है 20वां टर्म, क्या निकालना है, यहां से 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 5 दूनी 10 जुड़ गया 41। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लोगों के बीच में सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको शॉर्टकट, यानी कोई जरूरी नहीं है कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d का फॉर्मूला याद करें। और इससे भी आप शॉर्टकट तरीका से जानना चाहते हैं, तो यहां पर ग्रीन, तो टीएन जब भी होता है तो ए एन प्लस बी के फॉर्म होता है। कैन फॉर्म होता है, यहां सातवां टर्म है, केवा टर्म है, तो 7n+b, 7n+ और ए वाला है 15, ए वाला है क्या, और यहां टी 15 है, तो यहां पर 15n+b और ए वाला है 31। बी से भी क्या हो गया, कट गया, एन का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया, बोलो यस या नो। तो आपको कैसे सॉल्व करना है या आपको जानना जरूरी है, 7a और बी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकल जाएगा, ए और बी का। आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, और अगर मुझवानी कर देते हैं तब तो आप बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और खेलना मुझे पसंद है। आठवां टर्म किसी का 25 है, 12वां टर्म किसी का 37 है, तो 20वां टर्म क्या है? 61। बिल्कुल सही जवाब है 61। और ऐसा क्यों हुआ, 37 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 12, यहां पर 4,
यानी ये तीन गुना है, कितना गुना है, यानी डी का वैल्यू 3 है। अब यहां 8 है, 8 तिहाई 24, यहां पर 24 ऐड कर दिए, 7 4 11, 3 2 5 6 करने आया कि नहीं आया। तो आपको कैसे करना है यह बात को जानने की जरूरत है, यानी इस टाइप के एक टाइप और इसमें हम बात करेंगे, आपको वह बात क्या करना है। आपसे प्रश्न रहेगा टी एम प्लस एन और टी एम माइनस एन बराबर क्या, आप लगते हैं इसका क्लास कर लिए। अब 2TM क्यों होगा, तो आपकी क्लास केवल इसको इसको जोड़, समझिए। और जो विद्यार्थी चाहते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारे पास है 2m माइनस एन प्लस 2m प्लस एन क्या होगा, फोर टाइम्स ऑफ। अब इसको सब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, हमारा ऐप है सरदार पटेल सुपर 30, उस पर जाइए, पूरा इसका डेप्थ नॉलेज दिया हुआ है। अब आपको यहां पर भी हम सब्जेक्टिव बनाना सिखा देते हैं, तो यहां पर फर्स्ट आपने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, अब यहां पर टी एम प्लस एन निकालेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा, बोलो ये सर, और यहां एम माइनस एन निकालेंगे ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो यहां पर 2a mb nd माइनस d हो गया, बोलिए इसे क्या हो जाएगा, यहां 4a हो जाएगा, ए जुड़ा तो 2a ना हो गया, ए रहेगा, तो यहां 2a हो जाएगा, बोलिए, और ए माइनस 1 इंटू डी, बोलो यस, और ऐसा ऐसा 2 को हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो ए एम माइनस 1 इंटू डी करने आएंगे कि नहीं आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको कोई ढंग का दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले पार्ट लेकर के, तब तक के लिए बने रहो।